2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां काफी मेहनत कर रही हैं। इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के लिए पार्टियां हर तरह की रणनीतियां भी अपना रही हैं। लेकिन देखने वाली बात तो है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जनता मोदी सरकार के 4 सालों के कामकाज से खुश नहीं है। इतना ही नहीं, जनता इस बार मोदी सरकार को वोट देने के मूड में भी नहीं है। तो वहीं कांग्रेस को लेकर भी लोगों के मन में शंका दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जनता वोट किसको देगी। वैसे कहते हैं कि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां इस तरह का गेम खेलती हैं जिससे जनता का फैसला बदल जाता है। इतना ही नहीं, जनता किसे वोट करे ये भी उनके दिमाग में आ जाता है। और अगर देखा जाए तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह शायद ऐसी कोई रणनीति बना सकते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, जिससे जनता उनके समर्थन में आ सकती है। एसपीएन 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।